Time I'm fading fast, I just wanna make it last. Try to let go of the past, I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack, restlessness to hell. Vivo S19 Pro जो आज ही लॉन्च हुआ कैमरा सेंट्रिक फोन है, फास्ट रिफ्रेश रेट 1.5K एमोलेड डिस्प्ले, फ्लेक्सिब ग्रेट प्रोसेसर, सुपर स्लिम इन डिजाइन, फ्लेक्सिब कैमरा सेटअप, फास्ट चार्जिंग एंड मेनी मोर। दोस्तों आज मैं Vivo S19 Pro का अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन बताने वाला हूं जो आज ही लॉन्च हुआ है। और Vivo की S सीरीज इंडिया में V सीरीज के नाम से ही लॉन्च होती है और इंडिया में ये फोन Vivo V31 सीरीज के नाम से लॉन्च हो सकता है। मेरा नाम मिलन है और आप देख रहे हैं टेक शीट। और जैसे कि आपको पता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट सबसे पहले हमारे ही चैनल में देखने मिलते हैं। लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला क्यू हुए देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के हमारी टेक टीम को ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग से शुरू कर लेते हैं। तो ये है Vivo S19 Pro का बॉक्स। बॉक्स कंटेंट देखे तो यूजर मैनुअल, सिम इजेक्टर टूल, 80 वोल्ट का पावर एडाप्टर, डेटा केबल एंड ट्रांसपेरेंट केस मिल जाता है। अब बात करते हैं Vivo S19 Pro के डिजाइन एंड बिल्ड की। Vivo S19 Pro के डिजाइन की बात करें तो फोन यहाँ पे मिस्टी ब्लू कलर में मिल जाता है। Vivo के इस S19 Pro फोन का सबसे यूनिक फीचर इसकी ओरा लाइट है। सिर्फ बैक में ही नहीं, फ्रंट में भी लाइट मिल जाती है। फोन के बैक में टेक्सचर्ड काफी अट्रैक्टिव मिल जाते हैं, सिरेमिक जैसी इफेक्ट मिलती है। फोन में स्क्रीन 6.78 इंच की मिल जाती है और ये 120 हर्ट्ज की कर्व्ड स्क्रीन है। 1.5K का रिजोल्यूशन मिल जाता है और 10 बिट की कलर डेप्थ मिलती है। हार्डवेयर लेवल ब्लू लाइट फिल्टर भी मिल जाता है और 1200 नीट्स की मैक्स ब्राइटनेस मिल जाएगी। वैसे Vivo S19 में फ्लैट स्क्रीन मिलती है जिसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू मैं कल अपलोड करने वाला हूं, सो स्टे कनेक्टेड विद अवर चैनल। दोनों फोन्स में स्क्रीन के स्पेक्स तो सिमिलर है लेकिन S19 Pro में कर्व्ड स्क्रीन मिलती है और S19 में फ्लैट स्क्रीन मिलती है। Vivo S19 Pro का डायमेंशन देखे तो फोन की थिकनेस 7.58 मिलीमीटर की है, यानी बहुत ही पतला फोन है और वेट 192 ग्राम का ही है और ब्रॉडनेस भी 7.93 mm तक ही है, तो सिंगल हैंड से फोन को आसानी से होल्ड कर सकते हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि इतना पतला फोन है, लाइट वेट भी है, तो भी फोन में 5500 mAh की यूज बैटरी मिल जाती है जो बहुत ही अच्छी बात है। बैटरी का 3 hours endurance टेस्ट देखे तो 1080p वीडियो 1 hour तक देखने पे 8% बैटरी कंज्यूम होती है, 30 मिनट सोशल मीडिया यूज करने पे 6% बैटरी कंज्यूम होती है, 30 मिनट्स टिकटॉक देखने पे 5% बैटरी यूज होती है और किंग ऑफ फ्लोरी 30 मिनट्स खेलने पे 11% बैटरी कंज्यूम होती है और 30 मिनट्स केंजिन इंपैक्ट खेलने पे 20% बैटरी कंज्यूम होती है। इस बार Vivo S19 Pro में कैमरा में अपग्रेड मिल जाता है। फोन में 50 megapixel का मेन सोनी IMX921 सेंसर मिल जाता है जो 1x1.56 इंच की सेंसर साइज के साथ आता है और ये सेंसर Vivo और सोनी ने जॉइंटली डेवलप किया है। और मेन कैमरा में एपेचर भी f1.88 का मिल जाता है और मेन सेंसर में ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन का सपोर्ट भी मिलता है। साथ में 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX816 टेलीफोटो पोर्ट्रेट कैमरा मिलता है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल जाता है। आप यहां पे सैंपल फोटोज देख सकते हैं। Vivo की ये इमेज स्टाइल ऑलवेज रियलिस्टिक लगती है। यहां पे सनसेट की फोटो भी देख सकते हैं, काफी ब्यूटीफुल देखने को मिलती है। रिस्टोरेशन भी काफी अच्छा मिलता है। इसके अलावा टेलीफोटो कैमरा की फोटो भी काफी अच्छी मिल जाती है। इस टेलीफोटो कैमरा में 4x लूजलेस जूम का सपोर्ट मिलता है, इवन 10x जूम की फोटो की क्वालिटी भी काफी यूजेबल और इस फोटो में डिटेल भी काफी अच्छी मिल जाती है। और एक अच्छी बात, पोर्ट्रेट फोटो में भी फुल फोकल लेंथ का यूज कर सकते हैं। Vivo S19 Pro में इस बार 5 फोकल सेगमेंट में पोर्ट्रेट फोटो कैप्चर कर सकते हैं और ये इस सेगमेंट का एक लौता फोन है जो 5 फोकल लेंथ में पोर्ट्रेट फोटो कैप्चर कर सकता है। यहाँ पे 24 mm का यूज कर सकते हैं, 35 mm का यूज कर सकते हैं और इस 50 mm से ह्यूमन आई से क्लोज फोटो कैप्चर कर सकते हैं और 85 mm की फोटो भी काफी अच्छी मिल जाती है। और अगर आपको पर्सन के एक्सप्रेशन कैप्चर करने हैं तो 100 mm की फोटो भी कैप्चर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, नाइट में भी पोर्ट्रेट फोटो कैप्चर कर सकते हैं, तो यहाँ पे बैक की ओरा लाइट का क्रूशियल यूज है। नाइट में फुल फोकल लेंथ में फोटो कैप्चर करने के लिए स्टूडियो ग्रेड सॉफ्ट लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन Vivo S19 Pro में सॉफ्ट लाइट मिल जाती है तो यहाँ पे 24 mm, 50 mm और 100 mm की सॉफ्ट लाइट का रिजल्ट भी देख सकते हैं। लाइट भी फोकल लेंथ के हिसाब से जूम होती है। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं फोकल लेंथ के हिसाब से लाइट का शेडो बिगर एंड बिगर मिलता है और लाइट भी कॉन्सेंट्रेटेड मिलती है, यानी रिजल्ट में नाइट एंगल पोर्ट्रेट शॉट इजीली कैप्चर कर सकते हैं। फोटो ब्राइट एंड क्लीन मिलती है और फ्लैश का कलर टेम्परेचर भी एनवायरनमेंट के हिसाब से ऑटोमेटिक सेट हो जाता है और लाइट इफेक्ट भी काफ़ी सूटेबल मिलती है।
वीवो S19 Pro में फ्रंट कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जैसा मिलता है जो Gen 1 सेंसर है और फ्रंट कैमरा भी ऑटो फोकस के साथ आता है। ये 90 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू को कवर करता है और फ्रंट में भी ड्यूल सॉफ्ट लाइट मिल जाती है, तो सेल्फी फोटो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मिलेगी। तो लो लाइट कंडीशन में सेल्फी कैप्चर करने के लिए ड्यूल सॉफ्ट लाइट का रोल काफ़ी अच्छा है, लेकिन फ्रंट में सॉफ्ट लाइट की साइज की लिमिटेशंस की वजह से बैक जितनी ब्राइट सॉफ्ट लाइट फ्रंट में नहीं मिलेगी और फ्रंट में भी कलर टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं और इस लाइट को सिर्फ मैन्युअली ही एडजस्ट कर सकते हैं। शायद सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद फ्रंट में भी आपको ऑटो एडजस्टमेंट फीचर मिल जाएगा। वीवो S19 Pro में सॉफ्टवेयर लेवल के भी कैमरा में कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि AI एलिमिनेशन का फंक्शन तो मिलता है जो आजकल बहुत सारे फोन्स में मिलते हैं। बाकी AI फोटो के दूसरे फीचर्स भी मिल जाते हैं जहाँ पे वेरियस फोटोज को डिफरेंट एंगल में जनरेट कर सकते हैं। इफेक्ट भी अनएक्सपेक्टेड मिल जाती है। यहाँ पे आप AI की इफेक्ट्स के कुछ सैंपल्स भी देख सकते हैं। We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. वीवो S19 Pro में परफॉर्मेंस की बात करें तो MediaTek Dimensity 9200 Plus प्रोसेसर मिल जाता है, यानी फोन में सिर्फ कैमरा पे ही नहीं परफॉर्मेंस पे भी फोकस किया है। फोन में Genshin Impact हाई सेटिंग 30 मिनट्स खेलने के बाद एवरेज फ्रेम रेट 57.2 FPS तक मिल जाती है। पावर कंजम्पशन भी 5.8 वाट्स तक ही होता है। फ्रंट का टेम्परेचर 42.4 डिग्री तक जाता है और बैक का टेम्परेचर 41 डिग्री तक ही जाता है। कैमरा सेंट्रिक फोन में इतना अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं किया था। वीवो S19 Pro के प्राइस की बात करें तो बेस वेरियंट की प्राइस चाइना में 3999 चाइनीज युआन से स्टार्ट होती है, जो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो करीब 46,000 तक होती है। कंक्लूजन पे आए तो फोन में कैमरा आउटस्टैंडिंग मिल जाता है। सिर्फ हार्डवेयर ही नहीं, कैमरा सॉफ्टवेयर फीचर भी काफी अच्छे मिल जाते हैं, जैसे कि फुल फोकल लेंथ में पोर्ट्रेट फोटो कैप्चर कर सकते हैं और AI के फीचर्स भी सुपर्ब मिल जाते हैं और परफॉर्मेंस और डिस्प्ले में भी फोन टासू है। तो देखना यह है कि इंडिया में वीवो की V31 सीरीज, जो चाइना में S19 सीरीज के नाम से आज लॉन्च हुई है, वो इंडिया में कब लॉन्च होती है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं वीवो S19 सीरीज के बारे में, कौन सा फीचर आपको अच्छा लगा, कौन सी प्राइस में इंडिया में लॉन्च होना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, लेटेस्ट फोन के लीक्स, लॉन्च डेट, टेक न्यूज और अगला गिव अवे देखने के लिए मेरे ट्विटर हैंडल को फॉलो करना ना भूले। और लेटेस्ट फोन और गैजेट्स के 1 मिनट में अनबॉक्सिंग देखने के लिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना ना भूले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले लेटेस्ट टेक अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग। Last, try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you